आज पेश होगा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट। वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने नोट और वोट के बीच संतुलन साधने की चुनौती। वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट आज पेश करेंगे। बजट से पहले जेटली ने कहा कि इस बार कृषि क्षेत्र को बजट में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस साल का बजट लोक लुभावन न होकर सरकार के आर्थिक सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला होगा। देश में नई कर प्रणाली सेवा एवं वस्तु कर यानी GST लागू होने के बाद भी यह पहला बजट होगा। इसका असर भी इस बजट में साफ देखा जा सकेगा। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव के नतीजे आज। राजस्थान में 2 लोकसभा 1 विधानसभा सीट और पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा और 1 विधानसभा पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। राजस्थान की अलवर अजमेर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर मतों की गणना और पश्चिम बंगाल की उलबेरिया लोकसभा और नवापाड़ा विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। राजस्थान में कांग्रेस और BJP के बीच कड़ी टक्कर का मुकाबला है। मध्य प्रदेश के बैतूल में अस्पताल ले जाते हुए गर्भवती महिला को हुआ प्रसव, बच्चे की गिरकर मौत। प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला को वार्ड तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। महिला को पैदल ही वार्ड ले जाया जा रहा था। इस दौरान गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद जमीन पर सिर के बल गिरने से बच्चे की मौत हो गई। महिला के परिजनों के अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हंगामे के बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डरबन में आज खेला जाएगा पहला एकदिवसीय मुकाबला। टीम इंडिया आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। टेस्ट सीरीज में हार के बाद वनडे में पिछले लगभग 2 साल के अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया लगातार 9वीं सीरीज में जीत दर्ज कर दक्षिण अफ्रीका से हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी। पहले मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी भी वनडे सीरीज के लिए टीम से जुड़ गए हैं। फॉलोअर्स घटाने पर अमिताभ बच्चन ने दी ट्विटर छोड़ने की धमकी। बॉलीवुड के साथ साथ सोशल मीडिया के भी शहंशाह अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को छोड़ने के संकेत दिए हैं। अमिताभ ने ट्वीट कर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि ट्विटर ने उनके फॉलोअर्स घटा दिए हैं, कि ट्विटर आपने मेरे फॉलोअर्स घटाए हैं, यह मजाक लग रहा है। अब समय हो गया है विदा लेने का, अभी तक के सफर के लिए धन्यवाद। इसके अलावा अमिताभ ने शायद अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, इस समुद्र में और भी कई सारी मछलियां हैं और कहीं ज्यादा रोचक हैं। सुबह की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बजट से जुड़ी और देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लॉग ऑन करें लोकमत news.in पर।